एवरीवन, आज है डे वन नवरात्रि का और मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स सब कुछ आपके लिए रिकॉर्ड किया है। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये कैसी लगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि का डाइट प्लान, 7 डेज, व्हाट आई ईट इन अ डे, हाउ माई डेज गोज, व्हाट वुड बी माई रूटीन, हर चीज़ मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूंगी। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने वार्म वाटर लिया, अब इसमें डालूंगी मैं एक थोड़ा सा नींबू। तो ये मेरी मॉर्निंग ड्रिंक तैयार है, लेमन वाटर। तो ये मेरी लेमन ड्रिंक तैयार है। मैंने फटाफट से क्विक शॉवर लिया है तो चलते हैं पूजा करने के लिए। तो ये देखिए, मैंने मंदिर की सफाई कर ली है और पूजा भी कर ली। आज फर्स्ट डे है, आरती करी। तो अब चलते हैं हम ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ये देखिए मेरा मंदिर। एप्पल कैरेट स्मूदी की बात करें, ये कैरेट और एप्पल से बनता है और इसको हम नेचुरली स्वीट कर सकते हैं डेट्स के, जो आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसमें बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको टॉक्सिक एलिमेंट्स को अपनी बॉडी से हटाते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये कैरेट लिए है, एप्पल लिए है, सिनेमन लिया है और जागरी लिए है। इसके बाद सबसे पहले हम एप्पल और कैरेट को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इनका हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने डाला इसमें थोड़ा सा पानी। ये देखिए हमारा एप्पल कैरेट की प्यूरी बनके रेडी हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम ये जागरी। अगर आपको जागरी नहीं डालनी तो आप इसमें डेट्स भी डाल सकते हैं। और ऊपर से डाला मैंने सिनेमन। तो ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब इसको हम फिर से पेस्ट प्यूरी बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी स्मूदी बन के रेडी हो गई है। इसको हम ब्रेकफास्ट में 1-2% सर्व कर सकते हैं। सो दिस इज माय एप्पल कैरेट स्मूदी फॉर ब्रेकफास्ट ऑन डे वन नवरात्रि। दिस इज वेरी फिलिंग, दिस इज वेरी न्यूट्रिशियस रेसिपी, डू ट्राई दैट। अब चलते हैं हम मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। सो आई टेकन फ्रूट्स दैट कंसिस्ट ऑफ गुआवा, बनाना एंड एप्पल एंड 1 ग्लास ऑफ छाछ। ये मैंने रेसिपी शूट की है बुद्धा बॉल की। ये बहुत क्विक और इजी, और ये मैंने 15 मिनट्स में नवरात्रि की थाली बनाई है। आमतौर पे आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में कि आपको पूरी मिलती है, कटलेट्स मिलते हैं जो बहुत ही अनहेल्दी होते हैं, लेकिन आज मैंने ये आपके लिए रेसिपी बनाई है जो बहुत ही हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है और जल्दी बन जाती है। इसके लिए मैंने टोमेटो लिया है, कैरेट लिए है हाफ और कोरिएंडर लीव्स लिए हैं। तो सबसे पहले हमने पैन को गर्म किया, उसमें हमने 1 चम्मच घी डाला है। सबसे पहले हम इसमें रोस्ट करेंगे पीनट्स को। पीनट्स के रोस्ट होने के बाद इसमें हम डालेंगे कैरेट यानी कि गाजर। अब इसको अच्छे से हमने सॉटे किया, इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। ये लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें डाला हमने टमाटर, इसको भी थोड़ा हम ब्राउन करेंगे। तो थोड़ा हमने 2-3 मिनट तक इसको ढक के रखा है। इसमें डाले हमने ग्रीन चिलीज़,
इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सामा के उपमा का। अभी मैंने बॉईल करे हुए सामा के राइस रखे थे, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और अब मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अगर आप पहले से इसको बॉईल करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये 15 मिनट की रेसिपी आपके लिए बहुत स्मूथली आपकी बन जाएगी। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स किया, इसमें डाला हमने ब्लैक पेपर और सेंधा नमक। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि इसकी अच्छे से मिक्स हो सके। अब ऊपर से हमने इसको गार्निश किया है हरे धनिए के साथ। तो ये देखिए मेरा उपमा बनके रेडी हो गया है। अब मैंने एक दूसरा पैन लिया, उसमें मैंने एक चम्मच घी डाला। इसमें अब मैं सैलेड को सॉटे कर रही हूँ, तो मैंने इसमें कैरेट्स डाली हैं और टोमेटो डाला है। इसको अच्छे से सॉटे करेंगे हम। ये मैंने लो फ्लेम पे ही रखा है। इसके बाद मैंने इसमें डाला सेंधा नमक। अच्छे से मिक्स किया इसको। इसको हम ढक के रखेंगे 2 से 3 मिनट तक। जब तक सैलेड सॉटे हो रहा है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने हरा धनिया लिया है, आधा बॉइल्ड आलू लिया है, सेंधा नमक, काली मिर्च, दही 1 चम्मच, रोस्टेड जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। अब हम इसको करते हैं ब्लेंड। तो ये देखिए हमारी ग्रीन डिप बनके रेडी हो गई है फास्ट के लिए। अब मैं इसमें पनीर सॉटे करती हूँ। तो जो घी था मैंने इसमें और घी नहीं ऐड किया है, इसको मैं हल्का हल्का लाइट ब्राउन कर दूंगी। तो ये देखिए पनीर बनके भी रेडी हो गया है। अब इसको में हम थोड़ा सा काली मिर्च और सेंधा नमक डालेंगे। ऊपर से थोड़ा गार्निश किया हरे धनिए के साथ। मिक्स किया इनको। तो ये देखिए हमारा बुद्धा बॉल इन 15 मिनट्स बनके रेडी हो गया है। अब मैं सर्व करती हूँ इसको एक बोल में। तो सबसे पहले मैंने सामा के राइस का उपमा बनाया है, ग्रीन डिप, सैलेड, और साथ ही में सॉटेड पनीर। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही क्विक, इजी और फिलिंग रेसिपी है। बहुत ही न्यूट्रिशियस है। यू विल लव ईटिंग दैट। यू कैन रिप्लेस इट विद एनी अदर, लाइक जैसे आप इसमें राजगिरे का आटा की चीला बना सकते हैं या उसका परांठा बना सकते हैं डिप के साथ, सैलेड के साथ। सो दैट विल बी क्विक 15 मिनट्स मील। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी दिस, डोंट ट्राई दिस रेसिपी इवन इफ यू आर नॉट ऑन अ डाइट। दिस जस्ट इज डिलीशियस। इसमें बहुत सारे हेल्दी न्यूट्रिशियस इन्ग्रीडियंट्स हैं जो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्सिमम लेस देन 15 मिनट्स में आपकी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। इजंट इट अनबिलीवेबल। मैंने लिया है इवनिंग स्नैक, जिसमें मैंने ग्रीन टी ली है। आप साथ में इसमें मखाने भी ले सकते हैं 1 कटोरी। सो मखाने एंड ग्रीन टी विल बी माई इवनिंग स्नैक ऑफ द डे।
सकते हैं कि बहुत ही हेल्दी होता है, और चाय हो या ग्रीन टी हो, सभी के साथ एकदम ये परफेक्ट जाता है नवरात्रिज में। इवनिंग स्नैक यही हम रखेंगे 7 डेज के लिए, फिर देखते हैं वेट लॉस कैसा होता है। तो मिलते हैं हम डिनर के लिए। लौकी की सब्जी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसमें घी डाला है, इसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है। इसके बाद डाला इसमें हमने जीरा 1/2 छोटा चम्मच। अब डालेंगे इसमें मैं ये लौकी, ये मैंने लौकी कट करके धो के रखी है। इसको हमें लाइट ब्राउन करना है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इसको हमने लो फ्लेम पे पकाया है, ये देखिए इतना ब्राउन हो जाना चाहिए। अब इसमें मैंने डाला हरा धनिया और हरी मिर्च, ऊपर से डाला मैंने इसमें काली मिर्च 1 छोटा चम्मच और सेंधा नमक 1 छोटा चम्मच। अगर ये हल्का लाइट ब्राउन नहीं होगा तो आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स किया, अब डालेंगे इसमें हम पानी। तो मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है, जितनी लौकी हो उससे थोड़ा सा ऊपर मैंने पानी डाला है इसमें। अब हम लिड को लगाएंगे और 3 से 4 सीटी आने तक इसको रखेंगे। तब तक हम सिंगाड़े के आटे का परांठे बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसमें मैंने सिंगाड़े का आटा डाला, काली मिर्च, नमक, हरी मिर्च और ये मैंने गर्म पानी लिया है, तो इसको हम गर्म पानी से आटा को गूंदेंगे। तो ये देखिए मेरा डिनर बनके रेडी हो गया है, लौकी की सब्जी गार्निश विद धनिया एंड 1 सिंगाड़े का पराठा। इसमें आप बॉइल्ड आलू भी डाल सकते हैं, इट विल बी जस्ट डिलीशियस।